मॉड एक्स प्लस वन मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू टू मॉड एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि अपने तीन पार्ट को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको ग्राफिकली भी हम लोग कर सकते हैं या तो हम लोग नंबर लाइन से भी देख सकते हैं। पहले इसका ग्राफ बनाए, ये ग्राफ हम लोग को आता ही है, और टू मॉड एक्स को भी ग्राफ करना था। यदि मैं ग्राफिकली बताऊं तो कैसे इसको बता सकता हूं, आइए, वाई बराबर मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स माइनस वन। इसकी ग्राफ बनाने की मैं बात करूं, ये जीरो कहां हो रहा है, एक माइनस वन पे जीरो हो रहा है, एक वन पे जीरो हो रहा है। यदि मैं बात करूं माइनस वन से वन के बीच में, तो ये पॉजिटिव होने वाला है, ये निगेटिव, मतलब ओवरऑल टू होने वाला है ये। ठीक है, अच्छा, वन से बड़े की बात करूं तो पॉजिटिव खुलेगा, मतलब वाई इक्वल टू टू एक्स, मतलब टू एक्स मतलब कुछ ऐसे जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन कितना है, y इक्वल टू, अच्छा सिमिलरली ये जो वैल्यू आएगा ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस टू एक्स। सिमेट्री, इसका ग्राफ आपने देखे हुए, ग्राफिकल वे बता रहा हूं, बिना ग्राफ के भी इसको आप बना सकते हैं। और y इक्वल टू वो मॉड टू एक्स को टू मॉड एक्स की मैं बात करूं, ये कैसे बनता है तो अपने को पता है ये जीरो से स्टार्ट होगा, एक्स इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू कितनी है, वन है, और ये y इक्वल टू टू एक्स है, तो जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और वन पे होते होते ये टू जाएगा। और y इक्वल टू टू एक्स, ये भी लाइन सेम ही है, और माइनस में बात करूं तो ये, मतलब ये जो ये लाइन है ना y इक्वल टू टू एक्स, इस थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये रियली में क्या है, y इक्वल टू टू एक्स ही है, ठीक। और ये भी y इक्वल टू क्या है, टू एक्स है, x पॉजिटिव के लिए, मतलब ये सॉल्यूशन दोनों कब कट करेंगे, यहां से यहां तक सॉल्यूशन है और यहां से यहां, जहां जितना पार्ट ओवरलैप हुआ है, जितना पार्ट ओवरलैप हुआ है, इससे पहले ये बना था, ये बना था, लेकिन ये y इक्वल टू टू एक्स, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो पार्ट ओवरलैप कौन सा हो रहा है, ये वाला और सिर्फ ये वाला, मतलब किस रीजन में, वन से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से वन, मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि आप इसको नंबर लाइन पे बना लें, तीन लाइन पे, कहां जीरो हो रहा है, माइनस वन पे, जीरो पे और वन पे, ठीक। तो माइनस वन से जीरो, वन से बड़े में देख लें, वन से बड़े में देखेंगे तो ये क्या आएगा, वन से बड़े में तो सभी पॉजिटिव हैं, तो सब को क्या आएगा, टू एक्स बराबर टू एक्स, मतलब वन से बड़े में सारे वैल्यू एक्सेप्ट। सिमिलरली जीरो से वन, माइनस वन से देखेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा।